रामू काका, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं बेझिझक कहिए। लेकिन लेकिन वो बड़े साहब, छोड़िए उन्हें, आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं तांत्रिक बाबा से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। वो मंत्र पढ़कर एक नींबू देते हैं, और अगर वो नींबू बीमार के तकिए के नीचे रात को रख दिया जाए और सुबह वो नींबू अगर काला हो जाए तो समझिए कि जरूर आत्मा का चक्कर है। ठीक है रामू काका, आप जाइए और वो नींबू ले आइए। मैं उस नींबू को पिंकी के तकिए के नीचे रख दूंगा। अपनी बहन को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मातम मना रहे हो क्या? कुछ नहीं हुआ है हमारी पिंकी को, सिर्फ उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। जब सही इलाज होगा ठीक हो जाएगी। इलाज तो करवा रहे हैं ना डैड, लेकिन कौन सा फर्क पड़ गया? उल्टा उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। तो हम लोग हाथ पे हाथ रखे थोड़ी बैठे, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं निकल रहा है ना। पंकज को मार डाला, उससे प्यार करती थी। बंद करो ये बकवास, तुम खुद ही अपनी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप पिंकी के मैटर को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। एक हम लोग कि हमारी भूख मिट गई है, हमारी नींद उड़ गई, हमारा चैन खो गया, और आप है कि आपको किसी बात का एहसास ही नहीं है। विकी, विकी बाबू, मैं वो नींबू ले आया हूं। कहाँ है? आप इसे बेबी के तकिए के नीचे रख दीजिए, सुबह मालूम पड़ जाएगा कि उनकी दिमागी हालत खराब है या फिर किसी आत्मा का चक्कर है।